हाँ हेलो। इस लेक्चर में जो है हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे विथ सम एग्जांपल्स। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट्स। सबसे पहले जो है किसी भी चीज को समझने से पहले उसका जो साइंटिफिक या जो मीनिंग है उसको एब्जॉर्ब करने से पहले इट इज नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग। माइक्रो जब हम कहते हैं, माइक्रो मीन स्मॉल, भाई कितना स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल बिग लार्ज लॉन्ग शॉर्ट ये सब रिलेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, स्मॉल का यहाँ पे मतलब है स्मॉल मीन्स दोज पैरामीटर्स और द स्केल, स्केल माने माप या डायमेंशन, स्केल और डायमेंशन व्हिच वी कैन नाइदर सी और मेजर बाय द व्हिच वी कैन नाइदर सी और मेजर। अभी इसको इतना ही रखते हैं, हम जो इसको देख नहीं सकते, सीधी सी बात है, देखना भी जो है इट इज ए पार्ट ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस। जो हम लोग देखते हैं किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस। ये हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रो मीन्स ऐसा होता है जो हमको नहीं दिखता है, सीधी सी बात है। हमको क्या नहीं दिखता है? हमको एटम नहीं दिखता, मॉलिक्यूल नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन नहीं दिखता है, बैक्टीरिया नहीं दिखता है, वायरस नहीं दिखता है। तो दे आर माइक्रो, दे आर ऑन द माइक्रो स्केल। माइक्रो से भी नीचे जाते हैं, नानो फेमटो स्केल आता है, उसकी हमको जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत आगे पड़ेगी। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो स्केल मींस ऑन ए लार्जर स्केल, ऑन ए लार्जर स्केल दैट वी कैन सी एंड मेजर। मेजर माइक्रो को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम माइक्रो को नहीं कर सकते, लेकिन इसको जो है हम कन्वेंशनल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं सिंपल इंस्ट्रूमेंट, उससे हम मेजर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मीन्स ऑन ए लार्जर स्केल, उसके पैरामीटर्स जो है वो हमको दिख रहे हैं। ठीक है, माइक्रो जो है वो स्मॉलर स्केल में होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि जो ये मैक्रो होता है, जो बड़ा वाला सिस्टम होता है, दैट इज विजिबल टू अस, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रो माइक्रो स्टेट्स, स्टेट्स अभी नहीं कहेंगे, माइक्रो स्केल। सिंपल अगर हम एकदम छोटे से लैंग्वेज सेंटेंस में कहें, द माइक्रो बिल्ड्स अप द मैक्रो। माइक्रो जो है ये मैक्रो को बनाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक भीड़ है, मास है, बहुत सारे लोग है, भीड़ दिख रहा है। वो भीड़ कैसे बना है? उसके कॉम्पोनेंट से, लोग हैं वहां पर 2000 लोग हैं, उनसे एक बड़ा सा भीड़ दिख रहा है हमको। उसके अंदर एक एक व्यक्ति साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है बहुत बड़ा सा भीड़ है, सामने वाले भले ही दिखते। तो ये जो है दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अगर अब हम लोग फिजिक्स में आते हैं, मान लो तुम्हारे पास कोई एक सिस्टम है, हम लोग इन जनरल गैसियस सिस्टम भी लेते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं। तो वो जो है तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ गैस भरा हुआ है, तुम्हारे घर पे खाना बनाने वाला सिलेंडर है, कुछ गैस भरा हुआ है, तुमको उसका वेट पता है, वॉल्यूम पता है, उसके अंदर कौन सा गैस है उसका नाम भी पता है। ठीक है, यू कैन मेजर द वेट ऑफ दैट सिलेंडर, यू कैन मेजर द वॉल्यूम, यू कैन मेजर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दैट सिलेंडर। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज तुम मेजर कर पा रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, देख पा रहे हो इनको, देखने का मतलब है वो रीडिंग देख रहे हो, ये मैक्रो पैरामीटर्स हम लिखेंगे अभी। ठीक, लेकिन अब ये गैस बना किससे है? ये बना है पार्टिकल्स से। अब सीधे सीधे कई जगह पर कई लोग बता देते हैं, कई बुक्स में लिखा रहता है, जो पार्टिकल है वो वही माइक्रो स्टेट है। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे। We are not talking about micro particles. We are talking about micro states. For example,
फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी या थर्मोडायनामिक सिस्टम, ए गैस कंटेन, सॉलिड्स में भी होता है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ए गैस कंटेन इन ए कंटेनर, फॉर दैट सिस्टम वी कैन मेजर द वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम दीज पैरामीटर्स, ये जो तुमने पैरामीटर्स मेजर किए, प्रेशर उसका कैलकुलेट किया गेज लगा के, जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसको गेज बोलते हैं, प्रेशर गेज बहुत तरह के होते हैं। टेम्परेचर तुम किसी थर्मोमीटर से देख सकते हो या कोई थर्मोमीटर ही होता है, तुम वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो, तुम्हारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो जो गैस वाला जब दे के जाता है तो उसको उठा के जो है वजन करके देख लेता है कि सही है कि नहीं वजन। तो ये जो सारे पैरामीटर्स तुम मेजर कर पा रहे हो, दीज पैरामीटर्स आर द क्वांटिटीज दैट डिफाइन द मैक्रो स्टेट, ये मैक्रो स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, दे फॉर्म द मैक्रो स्टेट, यही तुम्हारा मैक्रो स्टेट है कि भाई उस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना तुम पढ़ पा रहे हो, उसके बाद जो आइडियल गैस या कोई गैस लॉ तुम इक्वेशन में तुम रख देते हो उसको, ठीक। अब जो है दिस सिस्टम ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, जब वो सिलेंडर में कंटेन्ड है तब उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, कंटेन्ड इन ए सिलेंडर इन ए सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, ये जो है बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ। हाँ, ये सच है कि ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए इट इज नेसेसरी कि तुम जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में तुम्हारा जो है यू हैव सम बेसिक आइडिया एंड आई होप यू हैव दैट आइडिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसके एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ऑफ मेनी पार्टिकल्स दीज एलिमेंटरी मतलब है कि ये किसी और चीज से नहीं बना हुआ है, एलिमेंटरी उसी को बोलते हैं, एलिमेंटरी पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग उसमें जब न्यूक्लियर फिजिक्स से पढ़ते हैं देखते हैं इलेक्ट्रॉन भी जो है कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, तो दीज एलिमेंटरी पार्टिकल्स आर और द कंस्टिट्यूएंट्स दैट मेक दिस गैस आर द एटम और द मॉलिक्यूल्स that are atoms or the molecules that cannot be seen, ये हम नहीं देख सकते, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, हम मेजर क्या कर सकते हैं इन पार्टिकल्स के द्वारा, ये जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है जो उस गैसियस सिस्टम को बना रहे हैं इनका इफेक्ट हम देख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ माइक्रो इज द मैक्रो, ठीक है। व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और सी इज द इफेक्ट ऑफ द माइक्रो स्टेट द मैक्रो इज द रिजल्ट या इफेक्ट ऑफ द माइक्रो, एकदम सिंपल फॉर्म में हम जा रहे हैं। तो ये जो अंदर जो पार्टिकल्स है या ये जो अंदर पार्टिकल्स जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमको बाहर दिखता है, हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, हम लोग काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं प्रेशर कैसे अराइज होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है दे आर रैंडमली मूविंग, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हुए ये जो है टकरा रहे हैं सिस्टम के वो उसके दीवार से टकरा रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स ले लेते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम माने फोर्स हो रहा है, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स का जो कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज प्रेशर, सो द प्रेशर दैट यू आर मेजरिंग बाय ए गेज इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय दिस माइक्रो स्टेट्स माइक्रो पार्टिकल्स
तो जो मैक्रो होता है उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे समझो इस चीज को। अब इसमें जो हर एक कंस्टिट्यूएंट है, हर एक जो पार्टिकल है, ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट हैज ए पॉसिबल सेट ऑफ स्टेट्स। हम लोग कई बार पार्टिकल्स को ही माइक्रोस्टेट कह देते हैं कि एटम से बना हुआ है, एटम माने माइक्रोस्टेट। वो एग्जैक्टली माइक्रोस्टेट नहीं है। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो पार्टिकल्स उसको बना रहे हैं, वो जिस स्टेट में है दैट इज द माइक्रोस्टेट। वो स्टेट हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग बताते हैं उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इतना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी, क्या क्या सब होते हैं, केमिकल पोटेंशियल, बहुत तरह की चीजें होती हैं। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, द कंस्टिट्यूएंट्स एट द माइक्रो लेवल व्हिच आर द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो, मॉलिक्यूल आर इन डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स। हम लोग यहाँ पे स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स माने यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, स्टेट्स माने अवस्था। अब ये स्टेट्स कैसे डिफाइन हो, इन पार्टिकल्स का जो स्टेट है वो हम कैसे डिफाइन करें? हम लोग ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स आर नॉट द माइक्रोस्टेट, वो कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं बाय देयर पोजीशन एंड मोशन। मोशन को हम लोग मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कारण क्या है, तो उसको बेसिकली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके थोड़े से लेक्चर में बताया जाएगा बाद। द स्टेट ऑफ द माइक्रो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स जो कि ये एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंस्टिट्यूएंट्स आर डिफाइंड बाय द मोशन एंड द पोजिशन इन स्पेस। इस तरह के स्पेस को हम लोग फेज स्पेस कहते हैं। इसका डिस्कशन किया गया एक लेक्चर में, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में है, ठीक। तो वहां पे हम लोग फेज स्पेस की बात करते हैं। तो ये जो स्टेट हम बोल रहे हैं, जो पॉसिबल स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि हर एक इसका पार्टिकल एक पॉसिबल स्टेट में होगा, that possible state is defined, it is identified, it is specified by the position and momentum or motion, ठीक है। So this is the microstate, this is the microstate। हम लोग एक बहुत common example से इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट है किसी सिस्टम का, थर्मोडायनामिक स्टेट माने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं। दीज थर्मोडायनामिक, दीज पैरामीटर्स दैट डिफाइन द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, दे रिजल्ट, जैसे अभी तुमको हमने बताया, दे रिजल्ट और दे कोरिस्पॉन्ड टू मेनी पॉसिबल स्टेट of position and momentum of the particles which are atoms or molecules, ठीक। The thermodynamic state defined by the parameters pressure, volume, temperature आर, या इसको हम लिखे कोरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसी को हम लोग माइक्रो स्टेट कहते हैं। ये जितने भी स्टेट्स में है इसके कंस्टिट्यूएंट, जो इसके एटम और मॉलिक्यूल है, उन स्टेट्स की वजह से ये पैरामीटर्स अराइज होते हैं या ये पैरामीटर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये जो कलेक्शन है
तभी कंस्टिट्यूएंट्स के स्टेट्स का माने उनके पोजीशन और मोमेंटम का जो कलेक्शन है इसको हम लोग माइक्रो स्टेट बोलते हैं, मोर टू बी मोर स्पेसिफिक। माने इसके अंदर अगर एक पार्टिकल है उसका गैस के अंदर, वो पार्टिकल कितने तरह के कितने पोजीशंस ले सकता है, कितने मोशन कितने टाइप के मोशंस ले सकता है, उसके मोशन को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसके पोजीशन को कितने कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं, इट डिफाइंस द माइक्रोस्टेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स define the microstate, यही microstate को define करता है। अब हम लोग जो है एक बहुत common example जो हर book में दिया जाता है उसको लेकर के चलेंगे। ये microstate होता है और macrostate क्या होता है, जो set of values p, v and t जिससे हम लोग उस system को देखते हैं या measure कर पाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हम मेजर करते हैं पूरे कंटेनर में जो गैस है उसका, किसी एक पार्टिकल का नहीं। द पैरामीटर्स पैरामीटर्स पी वी एंड टी डिफाइन द मैक्रोस्टेट। ये वो होता है जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं सिलेंडर में इतना गैस है। फॉर एग्जाम्पल तुम जो है एक बलून ले लो, उसमें जो है कुछ हवा भर, तो उसका जो है कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा कुछ, ठीक है। तो जब ये कन्फाइन हो गया एक बलून में तो इसके जो पार्टिकल्स है उनका कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोमेंटम है, कुछ उसके कुछ डिफाइंड मोमेंटम है, डिफाइंड पोजिशंस है, ये सब मिलके एक मैक्रो स्टेट को डिफाइन करे। तुम देख पा रहे हो, जब बलून में हवा नहीं था तुम्हारे चारों तरफ हवा है, तुम नहीं देख सकते, बलून में है तुमको दिख रहा है फुला हुआ बलून। अब वो धीरे धीरे जो है जब खत्म होना शुरू होगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहां पर इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक टर्म के बारे में जान ले जिसको कहा जाता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी शब्द आया है मल्टीप्लाई से, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके पहले जो है जो ये, अब देखो यहां पर पॉसिबल मैक्रो स्टेट, एक कंटेनर में तुम्हारा सिलेंडर में एक गैस है। अब ये जो गैस गैसियस सिस्टम है इसमें बहुत कुछ, इसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स बहुत से हो सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बहुत तरह का हो सकता है, कुछ गैस उसमें से निकल गया, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम कुछ अमाउंट ऑफ कुछ मास निकल गया, कुछ टेम्परेचर में जो है चेंज हो सकता है, साइकिल का टायर का हवा फट जाता है, ठंडा हवा निकलने लगता है, एडियाबेटिक चेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स है मैंने कितने तरह का कितना वैल्यूज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकता है और इसके कोरिस्पोंडिंग कितने माइक्रो स्टेट हो सकते हैं, दिस इज द की पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक बिहेवियर। किसी भी सिस्टम का जो ये थर्मोडायनामिक बिहेवियर है इट इज डिसाइडेड बाय ये रिलेशन बिटवीन द पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स, मैंने कितने स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जो हम देख सकते हैं मेजर कर सकते हैं, एंड कोरिस्पोंडिंग टू दोज मैक्रो स्टेट हाउ मेनी माइक्रो स्टेट्स आर देयर, माने एक मैक्रो स्टेट कितने तरीके से बन सकता है, दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट डिफाइन द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच a particular macro state can be realized, ठीक है। ये कितने तरीके से रियलाइज हम कर सकते हैं, कितने तरीके से ये हो सकता है, और इसी से जो टर्म आता है इसको बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है, वो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। द टर्म
मल्टीप्लिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट दैट गिव राइज टू ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा, तुमने जो है एक कंटेनर में जो गैस रखा है उसका मेजरमेंट किया, उसका प्रेशर निकला कुछ, एक पर्टिकुलर वैल्यू, वॉल्यूम निकला, टेम्परेचर निकला, तो ये एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट है. अब ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? ये सब नंबर्स है, तुम मेजर कर रहे हो इतना लीटर है, इतना पास्कल है, इतना डिग्री सेल्सियस है. दीज आर नंबर्स. अब ये नंबर कितने तरीके से हो सकते हैं? जितने तरीके से हो सकते हैं उसी को हम लोग मैक्रोस्टेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 5, 4 प्लस 1 भी हो सकता है, 1 प्लस 4 भी हो सकता है, 3 प्लस 2 भी हो सकता है, 2 प्लस 3 भी हो सकता है, 6 माइनस 1 भी हो सकता है, 7 माइनस 2 भी हो सकता है, 8 माइनस 3 भी हो सकता है, 0 प्लस 5 भी हो सकता है. जितने तरीके से ये 5 आ सकता है, ऑल दोज तरीका, ऑल दोज पॉसिबिलिटीज आर द माइक्रोस्टेट और द मल्टीप्लिसिटी. इसी को हम लोग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं. नाउ लेट अस कम टू आवर एग्जांपल. ये जो है एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा, हमने बताया उसको कि हम जो है एक अलग लेक्चर में इसको बताने की कोशिश करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और वो एग्जांपल जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है. लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल, द रोलिंग ऑफ डाइस. रोलिंग ऑफ डाइस माने होता है जो लूडो का होता है ना, पासा जिसको बोलते हैं, उसको जो रोल करके हम लोग फेंकते हैं, तो उसमें कुछ नंबर आते हैं, उसमें 6 फेसेस होते हैं, क्यूबिकल होता है, 6 फेसेस होते हैं उसके, 1 2 3 4 5 6. रोल करने के बाद जो फेस दिखता है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, प्रोबेबिलिटी में पढ़े होगे तुम लोग स्कूल लेवल में, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है. तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग बाद में जाते हैं, अभी कुछ सिचुएशन देखते हैं. सपोज हमने जो है एक बड़ा सा डाइस लिया, इसमें थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना होगा. सपोज वी हैव ए सिस्टम वेयर We are rolling two dice. हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं. The sum of the digits on the face of each dice is recorded. अब इसको थोड़ा सा जो है हम चेंज करते हैं इस सिस्टम को. अल्टरनेटिवली समझ लो, तुम्हारे पास एक बड़ा सा क्यूबिकल डब्बा है, ठीक है. अब उस डब्बे में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, वो एक बड़ा सा डाइस है और उसके अंदर दो डाइस रखे गए, ठीक है. अब इस बड़े से डाइस को जब तुम फेंक रहे हो, ये काल्पनिक सिस्टम है, जब इस बड़े से डाइस को फेंक रहे हो तो एक पर्टिकुलर नंबर तुम्हारे सामने आ रहा है. ये वो नंबर है व्हिच इज द सम ऑफ द डिजिट्स of the two small dice that are kept inside the big dice. ऐसा कुछ सिस्टम किया गया. मान लो अंदर दोनों डाइस जो है ये 1 और 2 शो करते हैं, तो तुम्हारा जो बड़ा वाला डाइस है जिसको तुम देख सकते हो, इट इज शोइंग 3, ठीक है. ये 3 शो कर रहा, 3 शो होने का मतलब, 3 कैसे शो कर रहा, अंदर 1 और 2 आया जरूर. इन एन, ये तुमको हम समझाने के लिए कह रहे हैं, इन एन अल्टरनेटिव वे Let us imagine a big dice. बहुत बड़ा सा डाइस है ये. And suppose there are two dice inside the big dice. थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ड्रॉ कर पाना यहाँ पे तुरंत संभव नहीं है, समय लगेगा. उस बड़े से डाइस के अंदर दो डाइस है, ठीक है. When the big dice is rolled, the
देन द नंबर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द बिग डाइस ऑन द फेस ऑफ द बिग डाइस इज द सम is the sum of the digits that appear on the two small dice inside. जो अंदर दोनों छोटे छोटे डाइस हैं उनका सम के कारण जो नंबर बन रहा है वो बड़े वाले डिजिट का नंबर है. बड़े वाले डाइस में भी छह फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है. मान लो 6 आ रहा है तो अंदर जो दोनों डाइस है उसमें एक में 5 या एक में 1 आया है या एक में 4, 2 आया है. दिस इज द सिचुएशन. द बिग डाइस दैट हैज सेम 6 नंबर दैट हैज सेम 6 फेसेस इज द मैक्रो स्टेट. ये मैक्रो स्टेट है. द स्टेट or the system state that we can see, that the state that we can see. The small dice inside are the micro states. Ye micro states we cannot see. Whatever is shown on the face of the big die after rolling is the result of the two dice inside. वो अंदर भी दोनों डाइस जो है वो रोल कर रहे हैं. बड़े वाले को हमने फेंक दिया. इमेजिन करो बड़ा वाला डब्बा के अंदर तो छोटे छोटे डब्बे हैं. तुमने बड़े वाले को जो है लुढ़का दिया तो अंदर वाले भी लुढ़क गए होंगे, ठीक है. तो अंदर जो भी डाइस अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण हमको बड़े वाले डाइस पे एक नंबर दिख रहा है, ठीक. दिस इज द सिचुएशन. नाउ लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग आउटकम्स. आउटकम माने होता है रिजल्ट. आउटकम दैट आर सीन ऑन द फेस ऑफ द बिग डाइस. इस बड़े वाले डाइस के ऊपर हमने फेंका एक बार बड़े वाले डाइस को, कौन सा नंबर हमको दिख रहा है, दैट इज द आउटकम, ठीक है. वो हमारा आउटकम. सो दैट इज द मैक्रो स्टेट जो हम देख रहे हैं. नाउ सपोज तुम्हारा जो बड़ा वाला डाइस है, ये हम बड़ा वाला डाइस इसको कंसिडर कर रहे हैं. लेट मी गिव द डायग्राम. ये जो है ये बड़ा वाला डाइस है, ये तुमको दिख रहा है बाहर से, इसको हमने बनाया बड़ा. सो दिस वन इज द लार्जर डाइस. इस मान लो तुमने इसको फेंका और आउटकम आया है 6. इसके ऊपर 6 दिख रहा है. ये जो 6 इसके ऊपर दिख रहा है, ये 6 कैसे दिख रहा है कि अंदर जो दोनों स्मॉल डाइस है उनके स्टेट, उनका स्टेट कुछ इस प्रकार का है कि बाहर तुमको 6 दिख रहा है, ठीक है. दिस बिग डाइस इज शोइंग 6 विच इज ए मैक्रो स्टेट. ये मैक्रो स्टेट हमको दिख रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है. अब नाउ दिस मैक्रो स्टेट Now this macro state can be achieved by many ways. The two dice inside can be in several states that produce 6 on the larger die. इस larger बड़े वाले डाइस के ऊपर 6 कई तरीके से आ सकते हैं. कौन कौन से तरीके से आ सकते हैं, Let us see. एक तरीका ये हो सकता है कि अंदर जो दोनों डाइस है वो दोनों आइडेंटिकल है, एक ही तरह के, उसमें कोई छेड़खानी नहीं किया गया, कोई जो है मैनिपुलेशन नहीं, ठीक है, ये हम मान लेते हैं. अब इसमें देखते हैं कितने प्रकार से आ सकता है.
वन या इसको रखे कहें द आउटकम सिक्स, आउटकम सिक्स ऑन द लार्जर डाई कैन बी अचीव्ड अचीव्ड एज। पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन ये है कि अंदर जो छोटा वाला डाइस है उसमें पहला डाइस शोज शोज वन एंड सेकेंड शोज फाइव। ये जो है ये पहला सिचुएशन, ये वाला जो डायग्राम तुमको दिख रहा है दिस वन इज द फर्स्ट सिचुएशन। ये वन उस एक में वन आया, दूसरे में जो है फाइव आया, फाइव ये है, दिस वन इज फाइव। एक सेकेंड, पहले वाले में ये वन जो है ये पहला डाइस है, ये टू जो है ये दूसरा डाइस है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। सो दिस इज वन माइक्रो स्टेट, ये जो है दिस इज वन माइक्रो स्टेट दैट इज प्रोड्यूसिंग सिक्स। ये एक तरीका है, ये एक पॉसिबिलिटी है, समझ में आया, ये एक पॉसिबिलिटी है जिससे सिक्स आ सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट डाई शोज टू, सेकेंड शोज फोर, टू और फोर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, टू और फोर का भी एक कलेक्शन हो सकता है। तो पहला डाइस जो है ये हमारा टू शो करे और दूसरा जो है ये हमारा फोर शो करे, ये एक तरीका है। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर माइक्रोस्टेट। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? बोथ डाई शो थ्री, दोनों के ऊपर जो है थ्री आ जाए, तीन तीन छह, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो अनदर पॉसिबिलिटी इज थ्री थ्री, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो एक दो तीन, तीन पॉसिबिलिटीज है। अब ये वन और टू में ये पहले वाले में क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है कि इसमें जो है फर्स्ट शोज फाइव, फर्स्ट शोज फाइव, सेकेंड शोज वन, ये एक पॉसिबिलिटी है, शोज फाइव। यहाँ पे डिस्टिंक्ट और नॉन डिस्टिंक्ट की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सेकेंड शोज वन, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से इसमें जो है जो एक और पॉसिबिलिटी है वो ये है कि पहला जो है फोर शो करे, दूसरा जो है टू शो करे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी, फर्स्ट शोज फाइव, सेकेंड टू, ये एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो कुल मिलाकर के टोटल जो है वी हैव फाइव पॉसिबिलिटी, हमारे पास जो है पांच पॉसिबिलिटीज, ठीक। तो ये जो पांच पॉसिबिलिटीज है सिक्स आने के ये पांच पॉसिबिलिटीज है। सो द मैक्रो स्टेट सिक्स हैज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिक्स, सॉरी फाइव। मैक्रो स्टेट जो हमारा आ रहा है टू डाइस सिस्टम में, इट इज कितने पॉसिबिलिटीज है? पांच पॉसिबिलिटीज है। सो दिस मैक्रो स्टेट इज एसोसिएट हैज फाइव पॉसिबल माइक्रो स्टेट एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट सिक्स इज फाइव, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा जो है ज्यादा है, कौन सा कम है, उसको देखेंगे। सो द मैक्रो स्टेट
ऑफ थिक हैज फाइव पॉसिबल माइक्रोस्टेट एंड द मल्टीप्लिसिटी इज फाइव। मैंने जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो जो है ये इसको हम लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिसिटी। मैंने इतने तरीके से ये सेट हो सकता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट माइक्रोस्टेट्स इसको हम लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिसिटी। कितने तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे एक कंसेप्ट ये आता है, द हाउ मेनी मैक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मैक्रो स्टेट आर पॉसिबल, कितने मैक्रो स्टेट पॉसिबल है। एक तो हमने सिक्स देख लिया, ये हो सकता है, दो डाइस रोल कर रहा है, हमने एक सिस्टम लिया है सिक्स। अब अगर हम ये कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर दैट द डिजिट शोइंग या शोन ऑन द फेस ऑफ द लार्ज डाई इज वन, और वन इज ए मैक्रो स्टेट। अगर हम मान ले वन एक मैक्रो स्टेट है, मैंने बड़ा वाला जो हमारा डाइस है उस बड़े वाले डाइस में हमको वन दिखे, क्या ये पॉसिबल है व्हेन वी आर रोलिंग टू डाइस? और हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमको जो है जो बड़े वाले डाइस पे हमको दिखेगा दैट इज द इफेक्ट ऑफ द टू डाइस, तो फिजिकली हम देख रहे हैं एन आउटकम ऑफ वन इज नॉट पॉसिबल। दो डाइस के अंदर, बड़े वाले डाइस के अंदर दो डाइस में जो कुछ हो रहा है उसका वो दिख रहा है बड़े वाले डाइस में। अब दोनों डाइस है, दोनों में 1 2 3 4 5 6 छपा हुआ है, दोनों का सम 1 तो हो नहीं सकता, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये जो है हमेशा 1 से ज्यादा होगा। फिजिकली 1 इज नॉट पॉसिबल एज द सम ऑफ डिजिट ऑन द टू डाइस इनसाइड इज ऑलवेज greater than 1, so the macro state 1 is not possible, ye macro state jo hai ye possible nahi hai, and it is said that this macro state has 0 micro states, इसका कोई माइक्रोस्टेट इसके है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों डाइस के ऊपर का सम जो है ये 1 हो, ये हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये जो है दिस इज वन एग्जांपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, ठीक है। दोनों डाइस जो है अंदर रोल हो रहे हैं, हम भी नहीं रोल कर रहे, हमने बड़े वाले को रोल किया, उसके अंदर दोनों के अंदर जो कुछ भी होगा वो बड़े वाले में दिखेगा, बड़े वाले में जो कुछ भी दिखेगा 1 2 3 4 5 6 1 तो नहीं दिख पाएगा, 2 अगर दिखेगा तो क्या होगा, 2 एक ही तरीके से आ सकता है, 2 एक ही तरीके से आ सकता है, दैट इज 1 एंड 1। इफ we consider a macro state which is 2 on the face of the larger die, then this is possible only by one way। इसका एक ही तरीका है, क्या तरीका है कि दोनों के ऊपर जो है 1 और 1 लिखे, 2 और 0 हो नहीं सकता, 0 होता नहीं है डाइस के ऊपर, माइनस भी नहीं होता है, तो माइनस का भी सवाल खत्म हो गया,
सो द मैक्रो स्टेट ऑफ टू हैज ओनली वन माइक्रो स्टेट, इसका जो है सिर्फ एक माइक्रो स्टेट, ये और किसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं टू होने की। थ्री की अगर बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, टू और वन से हो सकता है। अगर हम फोर की बात करें तो फोर जो है कैसे कैसे हो सकता है, वन थ्री हो सकता है, थ्री वन हो सकता है, टू टू हो सकता है। फाइव की बात करें वन फोर, फोर वन, टू थ्री, थ्री टू, इतने सारे तरीके से हो सकता है। तो जितने तरीके से एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट रियलाइज हो सकता है उसी को हम लोग माइक्रो स्टेट बोलते हैं, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिसिटी। ठीक, सो दिस इज हाउ वी आर रिलेटिंग द मल्टीप्लिसिटी। अब एक और नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसी से, रोलिंग डाइस एंड द माइक्रो स्टेट्स। सपोज इस रोलिंग डाइस इस यही एग्जांपल है और हम एक मैक्रो स्टेट माने बड़े वाले डाइस पर हम कंसीडर कर रहे हैं। बड़े वाले डाइस पर हमारा जो नंबर है जो सम आए दोनों का वो कितना आए, वो 10 आए। 10 कितने तरीके से आ सकता है, 5 और 5, 6 4, 4 6, और कोई तरीका नहीं। If we consider a sum, या if we consider a situation or a macro state or a macro state where the larger dice shows 10, then the possibilities are. अब इसके possibilities क्या क्या होंगे, इसके जो possibilities हैं they are 5, 5, 4, 6, again 6, 4, इतने तरीके से 10 आ सकता है। 12 की बात करें 6 और 6 हो सकता है। तो यहां पर भी हम कुछ कंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हम लोग उसको एग्जांपल को भी देखेंगे तो ये जो एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट कितने तरीके से रियलाइज हो सकता है, जो नंबर ऑफ वेज है उसको हम लोग माइक्रो स्टेट कहते हैं, सभी एक एक स्टेट को, जिससे एक पर्टिकुलर ये 5, 5, 4, 6, 6, 4 माइक्रो स्टेट थे। मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3, तीन तीन पॉसिबिलिटीज है तो 3 मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, दस the number of ways by which we can get a particular macro state is the micro state. जितने number होंगे number of micro states is called multiplicity. Number of micro states is called multiplicity. इसको हम लोग multiplicity बोलते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन विथ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रोबेबिलिटी की जरूरत इसको हम लोग जो है फिर डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, प्रोबेबिलिटी की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है बिकॉज वी डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, we don't have exact information about the motion, about the position of the particles or what is happening. जब आप एक डाइस को रोल करते हैं you do not know कि एक पर्टिकुलर आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आने के लिए what are the physical conditions needed,
यू डोंट नो दोस कंडीशन. कॉइन को फ्लिप करते हो, यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मोशन, व्हाट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइन, व्हाट शुड बी द मास डेंसिटी एयर ड्रैग ऑन द कॉइन दैट विल प्रोड्यूस ए आउटकम हेड और ए आउटकम टेल. यू डोंट नो, हम किसी को भी नहीं मालूम. So when you have indeterminacy, when you have lack of exact information, in that situation we use the concept of probability. अब इससे इसके आगे वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. एंड दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन फ्राइडे.